हेलो नमस्ते, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ट्रेल ऑफ स्पाइसेस में। चलिए आज व्रत को कुछ हेल्दी बनाते हैं हेल्दी साबुदाना सूप। इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 टमाटर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ टमाटर को पीस भी सकते हैं। बारीक कटा हरा धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आधी छोटी चम्मच ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच ले लेंगे जीरा, आधा चम्मच लेंगे सेंधा नमक, आधा चम्मच लेंगे काला नमक, 2 हरी मिर्च ले लेंगे जिसे मैंने बारीक काट लिया है, आधा कप साबुदाना लेंगे जिसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था और पानी निकाल लिया है, 1 आलू बारीक कटा, तेल लेंगे 1 छोटी चम्मच, नींबू का रस लेंगे 1 छोटी चम्मच और 2 कप पानी ले लेंगे। इसे बनाने के लिए पैन में तेल ले लेंगे। तेल के गर्म होने पर डालेंगे जीरा, जीरा के लाल होने पर ऐड करेंगे आलू और 1 चुटकी नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के पका लेंगे। एक बार फिर से आलू को मिक्स कर लेंगे, नहीं तो आलू जल सकता है। दोबारा से ढक के पका लेंगे। देखिए आलू अच्छे से गल चुका है। आप उसे फोक की मदद से एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, ग्रेटेड अदरक, लाल मिर्च पाउडर। इसे हमें करीब आधे मिनट तक मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हमारा ग्रेटेड टमाटर, दोबारा से मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें ऐड करेंगे काला नमक, सेंधा नमक और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूप को 1 उबाल आने तक हमें तेज आंच पर पकाना है। देखिए इसमें 1 उबाल आ चुका है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसे ढक कर पका लेंगे। साबूदाना को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। बीच में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इवनली कुक होता रहे। दोबारा से ढककर पका लेंगे। देखिए साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा साबूदाना सूप रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।